So, hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. So, without wasting our single minute, a second, let's just start our today's class, that is biological classification, and this is our lecture number 9. And the topic that we are going to deal today is virus. Kya aap logon ko kuch idea hai virus ke bare mein? Aap log kya jante ho virus ke bare mein? Right, everyone knows virus these days. It's a common term that we used to know. Coronavirus, ye virus, wo virus. But what is virus? Do you people have idea about this word? So, in this class, we will get a detailed explanation about virus, and aap sabko idea ho jayega. Virus karta kya hai? Why we are suffering from all these ill effects of virus? And kyun hume virus is why harmful? Right, so let's see, and all about the discoveries and everything that we are going to see today is all about virus, its structure, everything. Let's see. See basic features of virus. Not get place in classification because it is not cell. Virus is not a cell. That is the reason. इसको हम प्लेस नहीं कर सकते. ये कौन से भी किंगडम्स में नहीं आता है. इट इज़ प्लेस इन अ सेपरेट, राइट? ये कोई किंगडम्स में हम इसको क्लासिफाई नहीं कर पाते बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेल. सेल्यूलर नहीं है वायरस. इट इज़ नॉट सेल्यूलर, दैट इज़ द रीज़न वायरस को हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे. वायरस इज़ ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर. वायरस ए सेल्यूलर है एंड नॉन सेल्यूलर है. सेल भी नहीं है एंड सेल से छोटा है. कौन? वायरस, राइट? वायरस इज इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट. अगर वायरस सेल के बाहर हो देन ये क्या होगा मालूम? इनएक्टिव होगा. बट वंस इट एंटर्स द सेल, अगर वो एंटर हो गया सेल के अंदर, इट बिकम्स एक्टिव बिकॉज इट इज़ इंट्रा सेल्यूलर. बॉडी के अंदर जाने बाद वो एक्टिव होगा एंड इट विल एक्ट एज इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट, दैट इज एक्टिव इन साइड द सेल. दैट इज़ द रीज़न जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा देन इट विल टेक द मशीनरी ऑफ द होस्ट. वो होस्ट की मशीनरी पूरा यू नो कब्जा कर लेगा. देन वो क्या करेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करेगा जिससे बहुत ज़्यादा वायरल पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे बॉडी में. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करेगा? पूरा पैरासाइटाइज कर लेगा बॉडी को एंड होस्ट से न्यूट्रिशन लोगा. दैट इज़ द रीज़न होस्ट वीक हो जाता है. ये ह्यूमंस के केस में भी बॉडी में इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस लाइक दैट. सो वायरस इज इंट्रा सेलुलर पैरासाइट. जब तक वो होस्ट के बाहर होगा हमें कोई खतरा नहीं है. बट वंस इट एंटर्स द होस्ट इट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट. दैट मीन्स उसको होस्ट चाहिए ही चाहिए. विदाउट होस्ट वो एक्टिव ही नहीं होगा. एक्टिव नहीं होगा तो हाउ द वायरस कैन शो इट्स फंक्शन. इसीलिए उसको होस्ट चाहिए ही चाहिए. सी वायरस में वी हैव टू थिंग्स वॉट वी हैव. हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में कि इट हैज़ ओनली प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल. हमारे वायरस डज नॉट हैव साइटोप्लाज्म. हमारे वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं है. दैट इज़ द रीज़न साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ यू नो एवरी सेलुलर एक्टिविटी. जब यहाँ पर साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा देन वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यू नो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी. जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी देन हाउ इट कैन सर्वाइव, हाउ इट कैन बिकम एक्टिव. एक्टिव होने के लिए इट विल एंटर होस्ट. होस्ट के मशीनरी यू नो इट विल कब्जा कर लेगा होस्ट की मशीनरी. देन वहाँ से एटीपी यूटिलाइज करेगा. दैट इज़ द रीज़न उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट है. उसको अंदर आना ही आना है बिकॉज इट इज़ इंट्रासेल्युलर पैरासाइट. बाहर आउटसाइड द सेल इट विल बी इनर्ट. इसीलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं. सी देखिए वायरस इज इनर्ट आउटसाइड सेल, राइट? ऑब्लिगेट पैरासाइट. देन यूज होस्ट मशीनरी, एनर्जी मशीनरी. होस्ट में जाएगा देन एनर्जी उसकी यूटिलाइज कर लेगा, राइट? एनर्जी मशीनरी यूटिलाइज कर लेगा. कौन? वायरस. एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी. वायरस हैव ईदर डीएनए. और ये देखिए सब आपको पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ नोट डाउन. वायरस हैव ईदर डीएनए और आरएनए. वायरस में सी इन ह्यूमंस वी हैव डीएनए, राइट? देन थ्रू डीएनए हम आरएनए बनता है हमारे पास, राइट? व्हाट इज़ द प्रोसेस इन बिटवीन प्लीज से? यस, ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास आरएनए बनता है. देन ट्रांसलेशन से वी गेट प्रोटीन जो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, राइट? सो देखिए बट यहाँ पर वायरस में क्या होगा? ईदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. हमारे पास दोनों डीएनए आरएनए इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द वायरस. ईदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, नेवर बोथ, राइट? सो लेट जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस ओवर दिस स्लाइड. नॉट गेट प्लेस इन क्लासिफिकेशन क्योंकि वो सेल्यूलर नहीं है, सेल नहीं है. इट इज़ ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर.
वायरस इज इंट्रा सेलुलर पैरासाइट दैट इज एक्टिव इनसाइड द सेल. वायरस इज इनर्ट, वायरस इज इनर्ट राइट. वायरस इनर्ट है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल. यस आउटसाइड द सेल वायरस इज इनर्ट. देन ऑब्लिगेट पैरासाइट, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट. एंड देखिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों है आप लोग मुझे जल्दी से बताइए. वाई इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि इट यूजेस होस्ट मशीनरी, होस्ट की मशीनरी यूज़ करके वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है. देन इधर डीएनए और आरएनए एंड इट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम सेल थियरी राइट. एग्जेम्पशन है सेल थियरी का. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज हियर, लेट्स सी डिस्कवरी ऑफ वायरस. हाउ वायरस इज डिस्कवर्ड, वायरस की डिस्कवरी कैसा हुई. देखिए वायरस एक स्मॉल पार्टिकल है, बैक्टीरिया से भी छोटा होगा वायरस राइट. ये नैनोमीटर्स में होगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल है. दैट इज द रीजन वी कैन नॉट सी इन द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में हम वायरस को नहीं देख पाएंगे. इफ़ वी वॉन्ट टू सी वायरस देन वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हमें वायरस पता लगेगा राइट. क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा वायरस के लिए. दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. बट बिफोर दैट देयर वाज मेनी थिंग्स गोइंग ऑन लाइक इट इज वेनमस पॉइजनस ये वो. बट स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही पता लगा. देखिए वायरस इज स्मॉल पार्टिकल, इट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देखिए अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी राइट. सो यू नो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे. बट सी इफ यू गेट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड हम अच्छा पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे देन इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक. सो नाउ इवानोव्स्की 1892, आई वुड से दैट प्लीज आई वुड सजेस्ट दैट आई वुड रिकमेंड दैट आई वुड यू नो से यू पीपल दैट आई वुड यू नो आई कैन से यू ऑर्डर इफ यू वॉन्ट. ओके या कि आप लोग विथ डेट ऑफ ईयर्स याद रखें. इन 2023 इट वॉज गिवन विद डेट ऑफ ईयर्स. आई वॉज यू नो आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन मैं सोच ली कि अच्छा हुआ है कि मैं डेट्स के यू नो ईयर्स के साथ पढ़ के आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कुछ मिसिंग मैच दिया हुआ था. सो इट बिकम्स ईजी एंड यू नो वेरी ईजी इट विल बिकम अगर आप अच्छे से कुछ पढ़ जाओ विद डेट्स एवरीथिंग अच्छे से पढ़ जाओ एनसीईआरटी को. सो इट विल बिकम ईजी राइट. देखिए हाँ हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यू नो हम स्टार्ट करेंगे जितना जल्दी हो सका उतना. आप लोग को प्रे करिए कि हम जल्दी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर भी शिफ्ट हो जाए. जब तक आप लोग ये बायो भी अच्छे से कम्प्लीट करते रहिए. देखिए इवानोव्स्की 1892, मोसाइक डिजीज ऑन टोबैको प्लांट. एक टोबैको प्लांट था राइट जिसमें मोसाइक डिजीज था. टोबैको प्लांट के वो लोग जिसमें मोसाइक डिजीज से अफेक्टेड था. सी ये है टोबैको प्लांट, ये था उसका लीव जिसमें मोसाइक डिजीज हो चुका था राइट. अब देखिए वो लोग क्या करें, ये जो केमिकल था, ये जो केमिकल था राइट इसको लोग ये सपोज ये जो डॉट दिख रहा है आपको ये केमिकल है सपोज. तो ये लोग क्या करें केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लिए. देखिए एक्सट्रैक्टेड केमिकल देन वो लोग क्या करें केमिकल को दे पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ. ये देखिए ये एक बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ टाइप वो लोग. देखिए व्हाट डज द बैक्टीरियल फिल्टर मीन्स. देखो अगर हमें बैक्टीरियल फिल्टर मीन्स ये जो है ना ये छन्नी टाइप होगा. अगर हम चाय बनाएंगे वी यूज छन्नी राइट, तो ये छन्नी टाइप होगा. लेकिन वो जो छन्नी का साइज़ है वो सिर्फ बैक्टीरिया के साइज़ को ही जाने देगा अंदर. हाँ राइट यस. तो ये बैक्टीरिया को ही अलाउ करेगा जाना. ये छन्नी क्या करेगी बैक्टीरिया को ही अलाउ करेगी. दैट इज द रीजन वी आर सेइंग इट बैक्टीरियल फिल्टर पेपर. ये वायरस को अलाउ, अगर वायरस बड़ा होगा देन इट विल नॉट अलाउ. अगर वायरस छोटा होगा देन ही वो क्या होगा यहाँ पर पास डाउन होगा. देन उन लोग ऑब्जर्वेशन क्या मिला देखिए, दे फाउंड दैट कि उन लोगों को यहाँ पर पॉइजनस उन लोगों को पॉइजन मिला यहाँ पर. वेट या हाँ सी दे हैव सीन पॉइजनस विनमस फ्लूइड हियर. उन लोगों को क्या मिला टेस्ट ट्यूब में, दे हैव सीन इन्फेक्शन इन द टेस्ट ट्यूब. व्हाट डज दिस मीन कि अगर हमें इन्फेक्शन हम कुछ पास कर रहे हैं राइट, अगर यहाँ से पास होकर यहाँ पर आया दैट मीन्स इट इज स्मॉलर देन दिस मेश राइट. दैट इज देखो यही कर रहे हो लोग बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लिए जो बैक्टीरिया को ही अलाउ करता था जाने. बट उसके छोटे पार्टिकल्स जा सकते राइट, उससे बड़े पार्टिकल्स नहीं जा सकते. देन उन लोग क्या फाइंड करें कि इन्फेक्शन फिर भी था. इन्फेक्शन तो वायरस से हमें पता है बट उन लोग फाइंड करें कि इन्फेक्शन फिर भी था. दैट मीन्स बैक्टीरियल बैक्टीरिया से भी बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है वायरस. देखिए दे पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर पेपर विच ओनली बैक्टीरियल फिल्टर पेपर क्या है देखो विच ओनली पास बैक्टीरिया जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही पास करता है. देन व्हाट डिड दे फाउंड स्टिल इन्फेक्शन वॉज देयर इन टेस्ट ट्यूब. स्टिल इन्फेक्शन था टेस्ट ट्यूब में. व्हाट डिड दे फाउंड कि स्टिल इन्फेक्शन टेस्ट ट्यूब में था. व्हाट डज दिस मीन कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन.
Yes, it is very clear, right? Virus is smaller particle than bacteria. Because of this reason, virus particle pass through the bacterial filter. अगर वो छोटा ही नहीं होगा तो कैसे पास करेगा, आप लोग बोलो, right? आप लोग को समझ आ चुका, right? So that is why the discovery of structure of virus became possible after the discovery of electron microscope. Electron microscope की discovery के बाद ही structure of virus visible हुआ, discover हुआ. Why? Because अगर हमें virus को देखना था, हमें electron microscope चाहिए था. Virus के बारे में बातें चल रही थी, but structure कभी नहीं पता लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज नीडेड. क्यों नीडेड था? क्योंकि वो स्मॉलर पार्टिकल था देन बैक्टीरिया, जिसे प्रूव हुआ था इवानोस्की के एक्सपेरिमेंट थे जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर के थ्रू हमने किया था, राइट? यस. नाउ देखिए, बेजानिक, व्हाट डिड ही डू 1898, राइट? इन्फेक्टेड लिवलियो नो भी, देन उसका केमिकल एक्सट्रैक्ट करे. उन्होंने केमिकल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हें क्या पता लगा है, उन्होंने वो केमिकल यूज करने पर उनको पता लगा कि इट कैन कॉज इन्फेक्शन, इट कैन कॉज फ्रेश इन्फेक्शन. वो जो केमिकल था वो फ्रेशली इन्फेक्शन फिर से प्रोड्यूस कर पा रहा था, राइट? इट वॉज कॉजिंग फ्रेश इन्फेक्शन. मेरे पास एंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, आई डोंट नो, मेरे को एक रेड कलर की एंट लगी अभी यहाँ पर. आई एम अफ्रेड ऑफ एंट्स बाइटिंग मी. ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड. ओके ओके, ना सी, इन्फेक्टेड लीव केमिकल एक्सट्रैक्ट करे उन लोग, देन वो केमिकल्स उन लोग को पता लगा कि दे कैन कॉज फ्रेश इन्फेक्शन कॉज कर पा रहे थे लोग. कौन? बेजोनिक पता लगा है. सो दैट इज द रीजन दे कॉल्ड दैट फ्लूइड एज कंटैगम बाइवम फ्लूइड, मीन्स इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड. वो जो फ्लूइड इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, इन्फेक्शन कॉज कर पा रहा था. वेट, आई गॉट दैट. एंड अगेन, नाउ एंड इज सी इन्फेक्टेड फ्लू, इन्फेक्टेड लीव, राइट? देन केमिकल एक्सट्रैक्ट करे उन लोग, देन उसे क्या पता लगा कि कैन कॉज फ्रेश इन्फेक्शन, इसलिए कॉन्टैगम वाइबन फ्लूड कहा गया था. दैट इज इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूड. इवानोव्स्की एंड बेजानिक, डू पीपल गॉट दैट? देन स्टैनली 1935, व्हाट डिड ही डू? क्रिस्टलाइज वायरस, उन्होंने क्या करे, क्रिस्टलाइज कर दिया वायरस को. देखिए, सपोज इफ यह है हमारे टेस्ट ट्यूब, वी हैव दिस सोल्यूशन, दिस इज शुगर सोल्यूशन. सपोज वी हैव दिस शुगर सोल्यूशन, अगर हम वाटर एवोपरेट कर दिए, देन वी विल गेट यहाँ पर शुगर, राइट? जिससे हम मिश्री भी बनती, राइट? आप लोग को मिश्री पता है, वाइट कलर की मिश्री होती है. हाँ, तो वैसे टाइप से मिश्री बनती. तो उन्होंने भी क्या करे, वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया उन्होंने. एंड कंक्लूड कर क्या करे उन्होंने, कि वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. वायरस क्या है, मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन है, बोलकर उन्होंने कंक्लूड कर दिए थे. स्टैनले कैसा उन्होंने कंक्लूड करे, क्रिस्टलाइज कर दिए थे उन्होंने वायरस को. ठीक है, जो फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ जो बात कर रहे थे, उन्होंने क्या करें, क्रिस्टलाइज करके बात करें कि ये मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन है बल्कि. अब देखें, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. वायरस इज केमिकली क्या है, वायरस केमिकल कैसा मेड है? देखिए, प्रोटीन है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से बने हुआ है वायरस. दैट इज द रीजन न्यूक्लियो प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं. न्यूक्लियो प्रोटीन, वाई न्यूक्लियो? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, राइट? न्यूक्लियो प्रोटीन. एंड न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ड हम सेम टर्म यूज कर सकते हैं किसके लिए, राइबोसोम्स के लिए भी. तो वायरस इज केमिकली प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, राइट? दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन. सेम टर्म कैन बी यूज फॉर राइबोसोम्स. वेरी गुड. सी, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सी, वेयर इज प्रोटीन एंड वेयर इज न्यूक्लिक एसिड, यू पीपल आस्क मी दिस, राइट? देखिए, ये है प्रोटीन, ये जो हमें केस टाइप लग रहा है, दिस इज प्रोटीन का कवर है, जिसका नेम है कैप्सिड इज द नेम. ये प्रोटीन से बना होगा. इसका रोल क्या है, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल जो है आपको लग रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन करना इज द रोल ऑफ दिस कैप्सिड. देखिए, ये एक प्रोटीन कवर है कैप्सिड, इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब देखिए, ये है जेनेटिक मटेरियल हमारा. हम क्या बात कर रहे थे, केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, राइट? न्यूक्लिक एसिड, दैट इज जेनेटिक मटेरियल. अब देखिए, इसका रोल क्या है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है जेनेटिक मटेरियल का रोल. देन प्रोटीन कवर, दैट इज कैप्सिड का रोल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट? सो विद दिस वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टुडेज क्लास. प्लीज, इट्स यू नो शॉर्ट एंड स्वीट क्लास, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप लोग को साइंटिस्ट में से पूछेगा, स्ट्रक्चर में से यू विल बी आस्क्ड इन यू नो स्टेटमेंट वाइज. आप लोग अच्छे से ये प्रिपेयर करिए टॉपिक. प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी. एंड वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू पीपल नेक्स्ट इज कि आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें, बिकॉज लाइफ आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर इज समथिंग एल्स. एंड यू नो दैट फीलिंग वेन टाइम, वेन यू वेस्ट योर टाइम, एंड जब आप लोग को पता लगेगा कि वॉट वी हैव डन इन दीज डेज, जब आप लोग को ऐसा होगा कि वी वुड हैव स्कोर्ड मच बेटर,
we wouldn't have to do long term if we would have done at that time. So when you people have time, utilize it. We can never regain the time. Dekhiye, mistakes har kisi se hota, har kisi se, everyone do mistakes, but it's our duty to repent that, to you know, फिर हम वो मिस्टेक ना दोहराएं. दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू डू, एंड लाइफ इज शॉर्ट, राइट? लाइफ इज शॉर्ट, बट हाउ यू पीपल गोना डू, व्हाट यू पीपल गोना डू इन योर लाइफ मैटर्स. एवरी सेकेंड, इवन अ सिंगल सेकेंड मैटर्स. सो विद दिस, लेट्स जस्ट एंड आवर टुडेस क्लास. सो यस यस, फ्यूचर डॉक्टर्स, बी सीरियस एंड से व्हाई वी आर हियर. योर एनर्जी शुड बी ओपन. Why we are here? Yes, we are here and we are working to achieve the dream. With this, take care of yourself and your family. Goodbye.